गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सोनल एंड यू वाचिंग द पकी सोल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। बट आई एम सो सॉरी कि मैं आपके साथ काफी टाइम से वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी ड्यू टू सम रीजंस एंड फेस्टिवल्स। आप सभी को तो पता है अभी रिसेंटली कितने सारे फेस्टिवल्स गए हैं, तो मैं कुछ बिजी थी। बट नाउ मैं आपके साथ रेगुलरली वीडियो शेयर करने वाली हूँ, तो आप हमेशा मेरे चैनल पर बने रहें। सो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आपके साथ इसमें कुछ टाइप्स ऑफ बैग्स शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके के बैग्स आपके कलेक्शन में होने चाहिए। क्योंकि इस टाइप के जो बैग्स मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, ये जो बैग्स हैं वो सफिशेंट होंगे आपके किसी भी ओकेजन पर स्टाइल करने के लिए, किसी भी आउटफिट के साथ वो ईजिली चले जाएंगे। तो मैं आपके साथ एक मिनिमम कलेक्शन बैग का शेयर करने वाली हूँ और कुछ ऐसे बैग्स मैं आपको बताऊँगी, उनके बारे में बात करूंगी जो फिलहाल मेरे पास नहीं है बट आपके पास होने चाहिए अगर आप एक गुड कलेक्शन क्रिएट करना चाहते हो बैग्स का। तो चलिए देखते हैं कि कौन से हैं वो बैग्स जो आपके पास जरूर होने चाहिए। सो नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन द वीडियो। सो नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ बैग जो आपके पास जरूर होना चाहिए वो है एक टोटे बैग। एंड ये बैग है जो जिसको हम टोटे बैग बोलते हैं, ये जो साइज में है काफी ज्यादा बड़ा होता है और आप इसमें काफी ज्यादा स्टफ कैरी कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें अपने डेली के एसेंशियल्स जो होते हैं, जो भी होता है, डायरी या पेन या फिर आपका मोबाइल या फिर आप छोटा मोटा खाने पीने की चीजें या फिर आपकी जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप डेली यूज करते हो, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके नॉर्मल पर्स में नहीं आ पाते हैं, तो इस टाइप के बड़े बैग में वो आप ईजिली कैरी कर सकते हो। आप एक वाटर बॉटल भी कैरी कर सकते हो। तो इस तरीके के जो बैग है वो काफी ज्यादा काम आते हैं आपकी डेली लाइफ में, और एक बैग एटलीस्ट आपके कलेक्शन में जरूर होना चाहिए इस टाइप का। ये वाला जो बैग है मैं पिछले लास्ट 5 ईयर से यूज कर रही हूँ, ये गैस से खरीदा गया था, गैस इसके ब्रांड का नेम है एंड काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी में है ये। इनफैक्ट इसकी एक भी कोई भी चीज अभी तक खराब नहीं हुई है एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि ये वाला जो बैग है मैंने खरीदा था और मैं काफी खुश हूँ। तो आप जब भी इस तरीके के बड़े बैग को खरीदें तो मेक श्योर कि एक अच्छी क्वालिटी का बैग खरीदें, क्योंकि आप उसमें काफी सारा जो स्टफ है कैरी करने वाले हैं, तो क्वालिटी जरूर उसकी अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज वो खराब हो सकता है ड्यू टू उसमें इतना सारा लोड होगा अगर सामान का। तो यस, इस तरीके का एक बड़ा साइज का बैग आपके पास जरूर होना चाहिए। सो नाउ इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट बैग के बारे में वो है एक स्ट्रक्चर्ड बैग। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी डिफाइंड है और परफेक्ट स्ट्रक्चर में इस टाइप के बैग्स होते हैं। इनका जो साइज होता है वो थोड़ा स्मॉल होता है एंड इसमें आप काफी सारा स्टफ कैरी कर सकते हैं, बट लेस देन जो मैंने आपको टोटे बैग दिखाया था उससे कम। बट इस तरीके के जो बैग्स हैं, अच्छी बात ये होती है इन बैग्स की, क्योंकि आप इनको किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकते हैं। दे लुक सुपर ग्रेट एंड शीक लगते हैं एंड क्लासी लगते हैं और काफी ज्यादा आपको एक वो रिच वाइब्स देते हैं। तो इस तरीके के बैग्स आपके कलेक्शन में जरूर होना चाहिए और एटलीस्ट एक, चाहे तो आप उसको ब्लैक कलर में खरीद सकते हैं या फिर जो भी आपको कलर पसंद है उसमें परचेज कर सकते हैं, बट इस टाइप बैग एक मस्ट है अगर एक आप पॉश लुक अपना क्रिएट करना चाहते हो, तो इस टाइप के बैग्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। नाउ मूविंग टू थर्ड बैग जो आपके कलेक्शन में जरूर होना चाहिए वो है इस टाइप का वेडिंग एसेंशियल क्लच, जिसके ऊपर काफी सुंदर है ना स्टोन्स का वर्क दिया हुआ है। ओवरऑल इसमें सारे में स्टोन्स जड़े हुए आप देख सकते हैं इस वीडियो में भी, एंड यहाँ पे ना एक इसके हैंडल पर बहुत मोटा स्टोन दिया हुआ है जो इसको और ज्यादा ब्यूटीफाई करता है और ज्यादा खूबसूरत बनाता है। एंड ये इसका जो हैंडल है इसको आप जब मूव करते हो तो ये खुलता है। तो ये वाला जो बैग है ये मैंने मोची से परचेज किया है और इसकी जो वाइब्स है वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं, बहुत ज़्यादा रिच लुक ये देता है। एंड अच्छी बात ये है इस क्लच की कि आप इसको स्लिंग भी कर सकते हो, इसमें यहाँ पे चेन दी हुई है अंदर, तो आपकी चॉइस है, चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको स्लिंग करके डालना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो या फिर एज अ क्लच, तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। तो मुझे ये एज अ क्लच ज़्यादा स्मार्ट लगता है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और वेडिंग्स में काफी ज्यादा काम आने वाला है। आपकी किसी भी साड़ी, हैवी साड़ीज के साथ या फिर हैवी ड्रेसेस के साथ बहुत ज्यादा एलिगेंट लगता है, तो इस तरीके का जो क्लच है आपके पास जरूर होना चाहिए और आप इसको जरूर अपने कलेक्शन में ऐड कीजिए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट बैग और वो है एक पोटली बैग। तो जब भी बैग्स की बात होती है और वहाँ पे एक पोटली बैग की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। सो दिस इज द पोटली बैग जो मेरे पास है, ये रेड कलर में है और इसके ऊपर बहुत ही प्यारा मोतियों का एंड जरी वर्क दिया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा। एंड यहाँ पे इस तरीके के टसल्स इन्होंने बहुत प्यारी लटकन दी हुई है, बहुत ही प्यारा सा बैग है, वेलवेट में है एंड रेड कलर का है। रेड कलर इसलिए चूज किया क्योंकि रेड कलर जो है आपके काफी सारे आउटफिट्स के साथ वेडिंग में स्पेशल
एक्चुअली चला जाता है. आप इसको ग्रीन के साथ मैच कर सकते हैं, रेड के साथ कर सकते हैं, एंड येलो के साथ कर सकते हैं. तो रेड काफ़ी सारे आपकी चीज़ों के साथ चला जाता है. चाहे तो आप इसको गोल्डन कलर में भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि जो गोल्डन कलर है वो भी काफ़ी सारे आउटफिट्स के साथ इजिली चला जाता है. बट मैंने इसको रेड कलर में लिया हुआ है और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड आप इसको कैरी कर सकते हो इजिली इस तरीके से, हैंड्स में डाल के, एंड इस तरीके से लटकन से आपके आउटफिट को और ब्यूटीफाई करेंगे ना, और लुक को आपको और ज़्यादा वेडिंग अप्रोप्रिएट बनाएंगी. सो यस, इस तरीके का एक पोटली बैग आपके पास हो आप कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं. एंड यस, काफ़ी अच्छे इस तरीके के बैग्स होते हैं, काफ़ी सारा सामान इसमें आप कैरी भी कर सकते हैं. ना मूविंग ऑन टू नेक्स्ट बैग, जो है एक स्लिंग बैग. सो इस टाइप का स्लिंग बैग मेरे पास है. ये राउंड शेप में है, चाहे तो आप किसी भी शेप में परचेज कर सकते हैं, बट मुझे राउंड शेप में काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो मैंने इसको राउंड शेप में परचेज किया था. बेसिकली जो स्लिंग बैग होते हैं काफ़ी ज़्यादा हैंडी होते हैं, एंड आप कहीं पर भी जाते हैं, आस पास जाते हैं, तो ईजिली इस तरीके के जो बैग्स हैं वो कैरी कर सकते हैं. चाहे तो आप सीधा नॉर्मल इस तरीके से शोल्डर पर डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से क्रॉस करके डाल सकते हैं. तो इस तरह की जो बैग्स है वो काफ़ी ज़्यादा ईजिली कैरी हो जाते हैं एंड कंफर्टेबल भी होते हैं आप इसमें. तो स्लिंग बैग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ बैग है जो आपके कलेक्शन में ज़रूर होना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है. सामान भी आपका नॉर्मली काफ़ी आ जाता है इसमें. तो यस, इस तरीके का स्लिंग बैग आप परचेज कर सकते हो किसी भी साइज़ में. तो अगर आप राउंड में लेना चाहते हो तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है एंड काफ़ी ज़्यादा फैशन में भी रहा था ये अभी बीच में. बट अभी आपकी चॉइस है कि आप किस टाइप की जो साइज़ है वो इसको चेंज करना चाहते हो. सो नाउ हम बात करने वाले नेक्स्ट बैग के बारे में, जो है एक डे क्लच. तो इस टाइप का जो डे क्लच है वो मेरे पास है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा ब्लिंग ही नहीं होता है एंड काफ़ी ज़्यादा चमचम नहीं होती है. तो आप इसको डेली में इजली कैरी कर सकते हो, चाहे तो आप प्रिंट्स में भी यूज़ कर सकते हो, प्रिंटेड भी क्लचेज आते हैं. बट आई हैव दिस वन और मैं इसको डे टाइम में कैरी करना पसंद करती हूँ, क्योंकि जो स्टोन वाले बैग्स होते हैं या फिर जिनमें चमचम होती है, वो टाइप के बैग आप डेली में या मॉर्निंग टाइम में यूज़ करते हुए थोड़े वियर्ड लगते हैं, क्योंकि वो नाइट में ही अच्छे लगते हैं. तो इस टाइप के जो इसमें ब्लिंक्स कम हो आपके एंड जो इसमें चमचम ना हो और सोबर से वो दिखने में एलिगेंट हो, तो इस टाइप के क्लच आपके डेली और डे टाइम में काम आते हैं. तो इस तरीके का क्लच एक आपके पास ज़रूर होना चाहिए, जिनको आप सुबह के टाइम में इजीली अपनी आउटफिट्स के साथ कैरी कर सकते हैं. आप इसको जीन्स के साथ भी कैरी कर सकते हैं, ड्रेसेस के साथ भी कैरी कर सकते हैं, एंड एथनिक आउटफिट्स के साथ भी कैरी कर सकते हैं. तो इस टाइप के जो क्लच है मस्ट है आपके एक अच्छे कलेक्शन के लिए. सो यस, आई हैव this one, I'm really happy with this one too. Now moving on to next bag, which is this type of basic black bag, जो काफ़ी ज़्यादा universal होता है, क्योंकि आप सभी को पता है black color is a universal color और काफ़ी सारे outfits के साथ easily चला जाता है. अगर आपको confusion हो रहा है कि मुझे इस outfit के साथ कौन सा bag लेना चाहिए या फिर कौन सा color जो इसके साथ match करेगा, तो अगर आपको इस तरीके का confusion है तो आप एक basic black bag भी अपने पास रख सकते हैं और style कर सकते हैं आपने उस outfit के साथ. तो इस तरीके के जो bag हैं काफ़ी ज़्यादा easily style हो जाते हैं किसी भी आउटफिट के साथ. और अगर आपके पास कोई भी बैग नहीं है और आप एक सिंपल बैग खरीदना चाहते हो और कंफ्यूज हो कि मुझे किस तरीके का बैग खरीदना चाहिए, किस कलर में खरीदना चाहिए, तो गो फॉर ब्लैक वन. और ये ब्लैक बैग आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा हमेशा, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा और कलेक्शन में ज़रूर ऐड करिएगा अगर आपके पास नहीं है तो. So now moving on to next bag, which is very 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 essential for every woman and girl. So कौन सा है वो bag, मैं आपको दिखाती हूँ उस video में. So this is the bag which I have and it is a shopping bag, जो आपके पास ज़रूर होना चाहिए और सबसे ज़्यादा काम आने वाला bag है, क्योंकि इस तरीके के bags आपके तब काम आते हैं जब आप कभी market में जाते हो, shop करने जाते हो, तो आप नहीं चाहते कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आप अपने हाथ में कैरी करो. तो इस तरीके के जो बैग हैं वो काफ़ी काम आते हैं, अपने सारे सामान जो भी आप परचेज कर रहे हो वो इस टाइप के बैग में रख सकते हो. तो ये काफ़ी बड़ा एक जॉइंट बैग है एंड फैब्रिक बैग है. तो आई हैव दिस वन और ये मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आता है, क्योंकि मैं जब भी शॉपिंग पे जाती हूँ आई लव टू कैरी दिस वन और इसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा स्टफ आ जाता है. तो यस, दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी यूजफुल बैग फॉर यू और आपके कलेक्शन में ज़रूर होना चाहिए. सो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट बैग, जो कि मेरे पास नहीं है, बट मैं आपके साथ उन बैग्स के बारे में बात ज़रूर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप उनको अपने कलेक्शन में ऐड ज़रूर कर सकते हैं और मैं भी करना चाहती हूँ. तो वो बैग है कौन से, सबसे पहले फर्स्ट बैग के बारे में जो मैं बात करूँगी वो है एक जूट का बैग, जो आपने काफ़ी ऑनलाइन साइट्स पर देखा भी होगा और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी है. एंड समर्स में तो स्पेशली जब वेकेशन वगैरह पर जाते हैं तो आपने काफ़ी बार इंस्टाग्राम में उसको देखा होगा, उसकी जो फोटोज़ देखी होंगी. तो इस तरीके का जो बैग्स होता है, मैं आपको उसकी जो इमेज है वो
टैग में मेंशन कर दूंगी। तो इस तरह के जो जूट बैग्स होते हैं वो काफी ज्यादा बीची वाइब्स देते हैं। आप बीच वगैरह पे अगर आप घूमने जाते हो, जो है जो बीच वाली है वहाँ पे आप इसको कैरी कर सकते हो। आपके आउटफिट के साथ काफी ज्यादा सुंदर लगता है क्योंकि न्यूट्रल कलर है, किसी भी आउटफिट के साथ इजिली चला जाएगा एंड एक ही बैग आपके लिए सफिशियंट होगा। और काफी ज्यादा स्टाइल्स में ये आता है, आप इसको एज अ राउंड शेप में परचेज कर सकते हो और बहुत से सुंदर बास्केट टाइप में भी आते हैं सही के बैग्स, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और आपकी जो वेकेशंस की फोटोज़ होती हैं उनको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं। सामान भी काफ़ी आ जाता है इनमें, तो अगर आप चाहते हैं इस तरीके के बैग को ऐड करना तो आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं क्योंकि मैं भी इसको ऐड करने वाली हूँ जल्दी ही। एंड सेकेंड बैग जो जिसके बारे में आपके साथ बात करना चाहूँगी वो है एक स्मॉल बैग पैक। और इस तरीके के जो बैग हैं मैं आपको फोटो मेंशन कर दूँगी किस तरीके के बैग्स के बारे में बात कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगते हैं, आप इनको बैग पे अपने इजिली डाल सकते हो। आपके ड्रेसेस के साथ भी बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं, आप इनको अपने जीन्स के आउटफिट के साथ भी इजिली कैरी कर सकते हैं। और इस तरीके के जो बैग्स हैं वो काफी ज्यादा इजी टू कैरी होते हैं, जब आप कहीं पे घूमने जाते हो तो आप इस तरीके के बैग्स को कैरी कर सकते हो और काफी ज्यादा स्टफ भी इसमें डाल सकते हो। तो यस, ये जो बैग्स हैं ये मैंने आपको जो कलेक्शन दिखाया है यही इस कलेक्शन के बारे में आपके साथ बात करना चाहती थी। एंड आई थिंक ये जो कलेक्शन मैं आपको शो कर रही हूँ इस वीडियो में ये सफिशियंट है आपके किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल करने के लिए। तो पर्सनली जो मैंने आपको इस में दिखाया है वो मेरे बेसिक बैग्स हैं जो मेरे काफ़ी ज़्यादा आउटफिट्स के साथ ईजिली चले जाते हैं। और अगर आपको इनमें से कोई बैग लगता है कि नहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हो, बट यस ये सारे बैग्स जो हैं आपके काम ज़रूर आएंगे और कहीं ना कहीं आपके आउटफिट्स के साथ भी स्टाइल हो जाएंगे। सो आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे और भी टॉपिक्स के बारे में बताइएगा जिसके बारे में आप वीडियोस देखना चाहते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है मेरे नेक्स्ट वीडियोज के वो भी आपको मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।